Hello my beautiful viewers, hi everyone, a very good morning to all of you. You are watching our Spoken Recipes and here I am Asha. Yay! So ये पापा के लिए जब मनाई थी एंड भाई यानी कि देवर और देवरानी हनीमून पे इंडोनेशिया गए थे तो पापा के लिए गिफ्ट लाए थे. सो मैंने पापा को बोला कि रेडियो ऑन कीजिए, तो रेडियो ऑन किए तो फिर जादू कोलिजा हम लोगों का जो फोक सॉन्ग है वो बज रहा था, तो थोड़ा सुने. फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई. सो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पर्सलिन, जिसको हम लोग अख्ताबुसला या अख्ताबुसला भी बोलते हैं. एंड ये इस अख्ताबुसला का जो फ्लावर है वो ये येलो कलर का है. दूसरे कलर का भी मिलता होगा शायद. हाँ, दूसरे कलर का भी मिलता है. इससे सिमिलर एक फ्लावर भी है लेकिन उसको नहीं खाया जाता, ये अलग ही है. ये एक्चुअली कोई सा भी ऐसे हो ना, सब्जी की खेत वगैरह में मिल जाता है एंड पेडीफील्ड में भी मिलता है ये. एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मतलब इसको खाने से एंटीऑक्सीडेंट का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है हमारे बॉडी में. एंड मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है. और इसको पर्सलिन भी कहा जाता है. इसमें हाई मात्रा में विटामिन ए होता है. बचपन में मम्मी इसको हम लोगों को खिलाते थे थोड़ा थोड़ा मात्रा में. और ये मेरा फेवरेट भी है. थोड़ा सा इसमें खट्टापन है एंड इसको मैं आज फ्राई करके खाऊंगी. वैसे बचपन में तो मम्मी हम लोगों को बॉयल करके खिलाते थे, तो फ्राई करके खाऊंगी. ये बन गया पर्सलिन. ड्राई फ्राई है या क्या फ्राई है पता नहीं, तेल ज़्यादा हो गया शायद. ये है और साथ में है बनाना शूट, नहीं बम्बू शूट. एंड यहाँ बांतामस देंगे विद फर्मेंटेड फिश एंड ग्रीन चिली. दो अंडे बॉयल किए थे, दोनों ही ख़राब हो गए. देखिए ये जाएगा पीगी के पेट में. यहाँ एक पीक है ना पेट, उसके पेट में जाएगा ये. अबे बन दूध खेला दी ना मत मो को कुहु कुहु नांग जा चक बिखी दाम. हाँ लैम सोर से मिला हो बस नाका से दबी मिलिस आका तेरों नाइट हो जाओ.
ये लाइए ताजे ताजे, ये मिडिल चाची ने लगाए थे, फिर उत्तर छुट्टू सा था, पानी दे के फिर कितना सारा बड़ा हो गया अब, है ना। मैंने पानी डाले बहुत सारा उस पर, अभी ले आई हूँ, उसको खाऊंगी कल। वाह वाह वाह, इन लोगों को देखो, ऐसा लग रहा है कि यही घर है उन लोगों का। बाहर बारिश हो रही है और ये घर में आकर ढेरा बना लिया है। अभी बिना बिजली के भी नहीं रह सकते घर में, अंधेरा, ऊपर से मैं यहाँ खाना भी बना रही हूँ, है ना। ओए, चावल बन चुका है। तो आज मैं क्या बनाऊंगी, आज मैं बनाऊंगी ये टूटे प्लांट, मतलब लिप्स इसका ना, ये बनाऊंगी। ये देखिए, इसको आईबॉल भी बोलते हैं शायद, ये झनझनाहट होते हैं इसको खाने से, है ना। जब टूटेक होता है तब इसको बॉयल करके गर्गल करने से ना टूटेक थोड़ा कम होता है, ऐसा कहा जाता है। ये मेरा फेवरेट है, ये मम्मी नहीं खाते थे पहले घर में, है ना, लेकिन मेरी एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड त्रिपुरी, उसने मुझे सिखाया ये खाना, फिर उसके बाद ये मेरा फेवरेट बन गया। पापा नहीं खाएंगे इसलिए मैंने इतना सा लाया, ये मैं बना के खा लूँगी। और यहाँ पे चिकन है, चिकन, ये रेड चिल्ली ड्राई और ये ग्रीन चिल्ली, चिकन बनाऊँगी बस। और मुया है यहाँ। बिजली गई, बिजली गई, बिजली गई, इसको चार्ज करके रखा था, शुक्र है अभी ये जल रहा है। जब ये नहीं, ये उस रूम में भी, इसको अभी ऑफ करके रखती हूँ। यहाँ भी है देखिए टर्माइट, ये ऑफ करने से भी ऑफ नहीं होता, इसका एक झंझट है। कैंडल जला के भी खाना बनाऊंगी, एक इसको ऑफ करके रखती हूँ, बाद में काम आएगा। हाँ, यह है सहारा भी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के खाना बना रही हूँ। ये ओराई बिलाई है, ये इसको मैं साइड में रख के बॉयल करूँगी। ये फ़ोन का बैटरी भी ख़त्म, लगभग बैटरी, फ्लैशलाइट ऑन ही नहीं हो रहा। देखिए इसको अभी मैं क्या दिखा रही हूँ, अंधेरा है बस। उसको ऐसे जो गर्माहट, मतलब जो स्टीम निकलेगा उसी से ये बॉयल हो जाएगा, हाफ बॉयल। बहुत ही अच्छा लगता है ये ओराई बिलाई ना ऐसे बॉयल करके खाने में। देखिए ये बन गया बॉयल, ओराई बिलाई बॉयल, इसलिए मैंने निकाल के रख दिया है साइड में। चिकन अभी भी बन रहा है। सो आज यही मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, बिजली भी नहीं है। और हाँ, यहाँ मैंने टूटेक जो है, जो क्या बोलते हैं, आईबॉल ऐसा ही कुछ बोलते हैं, इसको बॉयल कर लिया मैंने।